हेलो माय शाही फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो फीमेल्स की पर्सनल हाइजीन को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। और आज की वीडियो में आप सभी के साथ एवरटीन की हेयर रिमूवल बिकनी लाइन क्रीम का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको इसके प्रिकॉशंस, डायरेक्शंस एंड इंग्रेडिएंट्स भी बताऊंगी, और उसके बाद मैं इसका एक डेमो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस क्रीम को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस हेयर रिमूवल बिकनी लाइन क्रीम में आपको 3 packs मिल जाएंगे। अब मैं तीनों के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगी। पहला है हमारा नेचुरल। नेचुरल का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट, जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है और इसके अंदर आपको बिल्कुल भी हार्ड स्मेल नहीं मिलेगी। दूसरा है हमारा रेडियंस, जिसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाती है वो इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। रेडियंस के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है चारकोल, कॉजिक एसिड एंड विटामिन सी। चारकोल जो हमारी बॉडी की स्किन को डिटॉक्स करता है, दूसरा है इसमें कॉजिक एसिड जो हमारी स्किन को लाइटन करता है, और विटामिन सी। विटामिन सी तो आप सभी को पता है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसके अंदर आपको प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएंगे जो हमारी स्किन को हेल्दी बनाते हैं। और तीसरा है इसमें सिल्की, जिसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, वो इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है क्रैनबेरी एंड कुकुम्बर। दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और हमारी बॉडी को स्मूथ एंड हेल्दी बनाते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आपको मिलने वाली है एक इस तरह की ट्यूब 50 ग्राम की, और आपको इसमें मिलने वाला है एक स्पैटुला, जिससे आप क्रीम को लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। और आपको मिलने वाला है इसमें 2 coin size के टिश्यू पेपर। इसे अगर आप वाटर में डिप करेंगे तो ये टिश्यू साइज में आ जाएंगे। और उसके बाद आपको इसमें मिलने वाला है एक इस तरह का मैनुअल। अगर आप क्रीम को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो प्लीज आप इस को पढ़ लें, उसके बाद ही क्रीम को यूज करें। इसके साथ इसके प्रिकॉशंस एंड डायरेक्शन शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके प्रिकॉशंस बता देती हूँ कि आपको यूज करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। डू ए पैच टेस्ट ऑन अ स्मॉल स्किन एरिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पैच टेस्ट करना है। अगर आपको इरिटेटिंग या इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस क्रीम को बिल्कुल भी यूज ना करें। डू नॉट शेव द एरिया फॉर एटलीस्ट 72 hours बिफोर यूजिंग एवरटीन क्रीम। इस क्रीम का यूज करने से 72 hours पहले तक आप शेव ना करें और कट भी ना लगा हुआ आपकी स्किन पे कोई। ऑलवेज यूज एवरटीन नेचुरल इंटीमेट वॉश फॉर क्लीनिंग द स्किन एरिया। स्किन एरिया को यूज करने के लिए आप एवरटीन का ही नेचुरल इंटीमेट वॉश का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप शॉप और शैम्पू का यूज उस एरिया में बिल्कुल भी ना करें। वियर सुटेबल ग्लव्स वाइल अप्लाइंग। जब आप इसे अप्लाई कर रहे हैं तो आप ग्लव्स पहन के भी अप्लाई कर सकते हैं। कीप अवे फ्रॉम रीच ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों से इसे बिल्कुल दूर रखें। इन केस ऑफ आई कॉन्टेक्ट रिंस विद क्लीन वाटर एंड सीक मेडिकल एडवाइस। अगर आपकी आईज के कॉन्टेक्ट में आता है ये, तो जल्दी से अपनी आईज को धो लें, अपने फेस को धो लें और डॉक्टर से एडवाइस लें। टाइली सिक्योर द कैप ऑन द ट्यूब आफ्टर यूज, स्टोर बिलो 30°C। इसका कैप यूज करने के बाद इसका कैप अच्छे से लगा दें और इसे रूम टेम्परेचर में रखें 30°C में। ओके, तो आपको इसके प्रिकॉशंस अच्छे से पता चल गए हैं। अब मैं इसके डायरेक्शंस आपके साथ शेयर कर लूंगी, साथ ही साथ मैं आपको डेमो भी दे दूंगी। यहाँ मैंने हेयर रिमूवल क्रीम ली है, टिश्यू लिया है, स्पैटुला और थोड़ा सा वाटर लिया है। और आपको क्रीम लगाते वक्त ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में आपके हेयर हैं उसी डायरेक्शन में आपको क्रीम लगानी है और अपोजिट डायरेक्शन से रिमूव करनी है। मेरे हेयर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मैं क्रीम लगाऊंगी और स्पैटुला के हेल्प से इसे स्प्रेड कर लूंगी। इस क्रीम को आपको सिर्फ 5 minutes तक ही रखना है। और आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपको पैच टेस्ट जरूर करना है, उसके बाद ही आपको इस तरह की क्रीम अपने इंटीमेट एरिया में यूज़ करनी है, क्योंकि इंटीमेट एरिया की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और वर्जिनल एरिया का पीएच लेवल भी काफ़ी कम होता है। इसलिए इस तरह की क्रीम्स को इंटीमेट एरिया में यूज़ करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें। और आपको इंटीमेट एरिया में इसी तरह की क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए जो बिकनी लाइन के लिए बनाई जाती है। और अब देखिए, जो टिश्यू पेपर था कॉइन साइज का, उसे जैसे ही मैंने वाटर में डिप किया, इनने टिश्यू का साइज ले लिया है। और अब 5 मिनट्स भी हो गया है,
तो जिस डायरेक्शन में हमने क्रीम लगाई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही स्पैटुला की हेल्प से हम हेयर को रिमूव कर लेंगे, और रिमूव करने के बाद हम इसे टिश्यू की हेल्प से वाइप करेंगे और आप देखेंगे कि टिश्यू पे हमारे हेयर आ गए हैं और स्किन हमारी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। आप देख रहे होंगे साइड में हेयर दिख रहे हैं और जिस तरफ मैंने पैच टेस्ट किया है यहाँ बिल्कुल हेयर रिमूव हो चुके हैं और मेरी स्किन भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो रही है। तो आप एक बार इसे यूज करके जरूर देखिएगा। इसका जो प्राइस है वो है 179 और जो अभी इसका नया रेडियंस आया है उसका प्राइस है 199 और दोनों की ही सेल्फ लाइफ है 2 इयर्स की। आप एक बार इसे यूज करके जरूर देखिएगा, जरूर आपको पसंद आएगा। और दूसरा और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज की वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।